राजधानी लखनऊ में डीजीपी प्रशांत कुमार ने अपने संबोधन में 21 अक्टूबर की तारीख को याद करते हुए कहा कि 1959 को जवान शहीद हुए थे। कानून का राज और शांति सुरक्षा में यूपी पुलिस का अहम योगदान रहा। डीजीपी प्रशांत कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए उस वीडियो का रुख कराते हैं। देश की समाज की सेवा करते हुए अपने जो वीर गति को प्राप्त हुए ऐसे मौके पे उत्तर प्रदेश शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं, जिसमें बहुत वर्षों के बाद मिल जाएगा वर्दी भत्ता में भी बढ़ोतरी की गई। बैरक अलाउंस जो कुछ लोग बाहर रहते थे, बैरक अलाउंस में भी वृद्धि की गई है। खेल की जो नीति थी उसमें भी बढ़ोतरी की गई है, उससे अधिक से अधिक खिलाड़ी जो हम लोग कुशल खिलाड़ियों की भर्ती कर रहे हैं तो उस धनराशि में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा पदक हमारे साथी विभिन्न गेम्स में लेके आए। आपने देखा होगा कि यहाँ जो ओलंपियंस हैं उनको डायरेक्ट डिप्टी स्पीकर रैंक के पीछे भर्ती दी गई शासन के द्वारा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विशेष कृपा है या उनका जो पुलिस के प्रति प्रेम है ये दर्शाता है। इसके अतिरिक्त जो हमारी बहुमंजिली इमारतें बन रही हैं उसमें 11 मंजिल तक की इमारतें बन रही हैं, उसमें लिफ्ट का प्रावधान किया गया है। लेकिन उस लिफ्ट का कैसे मेंटेनेंस आने वाले वर्षों में होगा इसका कोई प्राविधान नहीं था, तो उस संबंध में भी एक कॉर्पस धनराशि एक दिया गया है जो कि जिससे कि वो सारी चीज़ें मेंटेन की जाएंगी और उसके रख रखाव में उसको उपयोग में लाया जाएगा, जिससे कि अगर कोई भी वृद्ध आदमी या 11वीं मंजिल तक लोग रहते हैं, परिवारिक जन रहते हैं, उनको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं। सर दिल्ली में जिस तरीके से घटना हुई उसके बाद वो सभी अलर्टनेस हम लोग का रहता है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।